हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। हम भी बहुत अच्छे हैं गाइस। पता नहीं बच्चों को किसकी नज़र लगी है गाइस। पूजा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, पता नहीं क्या हो रहा पूजा के साथ। दवाई गई मेरी बेटी गाइस, ये देखो। तो गाइस मुंह का रौनक चला गया है। और कुछ भी रौनक तो मेरा ऐसी बना रहता है ना गाइस। नहीं, रौनक तो पूजा का शुरू से ही है गाइस। दवाई लेके आई हूँ मैं खूब सारी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी मेरी, इसलिए मैं वीडियोस में कम आ रही थी। अब क्या, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। और मम्मी नहीं बोलती कि वीडियो बनाया कर, बोलती हैं, इतना बोलती हैं। बट क्या करूँ गाइस, टाइम भी नहीं मिल रहा है और मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। पता गाइस, पता नहीं क्या हो गया पूजा को। ये हमेशा जब देखो तब गाइस, कभी सर में दर्द, कभी पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी का नजर लग गई है पूजा को। गाइस आप लोग बताना, मेरी बेटी है ही फूल जैसी तो है ही मेरी अभी बेटी। अभी इतनी सारी दवाई लेके आई हूँ गाइस, देखो। मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बना के डाल दूँ। आप लोग बहुत ढूंढते हो पूजा को, कल भी लाइव में कह रहे थे पूजा दीदी को दिखाओ पूजा। आप लोगों को पहले भी इतनी खाई थी, अब फिर इतनी लेके आई हूँ। तो गाइस मैं जल्दी ठीक हो ही जाऊंगी। हो जाएगी बेटा, पता नहीं बीपी लो बता रहे गाइस, क्योंकि गर्मी भी तो इतनी हो रही है ना, हद से ज्यादा गर्मी हो रही है। इसलिए मैं पूजा से मिलने भी आई। और आप लोग भी कल कह रहे थे कि दीदी आप पूजा को नहीं दिखा रहे हो, पूजा को नहीं दिखा रहे हो। मैंने कहा चलो एक बार घर में जाके वीडियो भी बना लूंगी। और पूजा को बोली भी कि पूजा आपको यूट्यूब फैमिली भी बहुत ढूंढ रहे थे। हाँ गाइज, तो गाइज पूजा को बस आप लोग ये करना। और मैं वैसे तो ठीक हो ही जाऊंगी गाइज, क्योंकि मैं दवाई ले रही हूँ। हाँ, और कुछ आपकी कोई बीमारी नहीं है, बस बीपी लो। बीपी लो है और गाइज थोड़ी खून की कमी हो गई है मुझे। वीकनेस है, खून की कमी, बस वही है। गर्मी के मारे गाइस सबकी हालत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। एक तरफ तो दुखी भी है, एक तरफ खुशी इस वजह से है कि आज आरती ने फोन लेके आई है। बेचारी एक एक पैसे जोड़ जोड़ के रख रखी थी गाइस, और अपने भाई से लॉग इन करवा रही है। ये देखो, हेलो गाइस, लॉग इन। देखो गाइस कहां गया मेरा फोन डब्बा। बाप रे, फोन की ये देखो गाइस, ये है मेरा न्यू फोन जो अभी लॉन्च हुआ है। श्रद्धा कपूर अखरोट फोड़ रही थी इस फोन से, तो मैंने ले लिया जाके। तू मिट्टी मुल्तानी फोड़ दे लगी तो मैम। अच्छा जी, तो गाइस देखो मेरी मिट्टी मुल्तानी। देखो फोन, फोन कहाँ गया मेरा फोन? गाइस मेरा फोन, फोन मोनू के पास है। तो गाइस ये रहा फोन, ये देखो गाइज। मेरे को ना सिर्फ ईमेल आईडी आई थी बनाने के लिए, बाकी आईडी मेरे को नहीं आती क्योंकि पासवर्ड में भूल जाती हूँ। वो सारा काम मोनू याद रखता है, तो पासवर्ड सब इससे बनवा रही हूँ मैं। बाकी आप फोन देखो मेरा कैसा है। गर्मी कितनी लग रही है, मोनू से ही करवाती हूँ गाइज, क्योंकि भाई मेरे को नहीं आता ये सब काम। और गाइज आप मुझे बताना ये फोन कैसा है कमेंट में, ठीक है ना? मैंने तो ले लिया, बंद कर से आ जाएगी वो। देखो भाई कमेंट में बताना कैसा है ये फोन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गाइज मैंने मेरा जो पहला फोन था, फोन दिखी वहां से वाला। गाइज मैं नहीं लेती, पहले बहुत ज्यादा खर्चा हो रखा, मैं नहीं लेती। और अभी अभी नवीस का नाम भी लिखवाई गाइज कॉलेज में, खर्चा तो वैसे भी बहुत ज्यादा होने वाला है अभी। ये देखो गाइज मेरा फोन सच में खराब, फोन बिल्कुल नहीं चल रहा था। और फोन के वजह से ही काम चल रहा है, आरती का कस्टमर फोन करके ही आते हैं। मेरे पार्लर के जितने भी कस्टमर है सब पहले मुझे फोन करती है, तब आती है गाइज। इसीलिए मुझे फोन बहुत जरूरी था लेना, मैंने लिया। कैसा है कमेंट बताना। देखो ये मेरा, एक तरफ खुश हूँ गाइस, एक तरफ दुखी हूँ छोटी वाली बेटी लेकर। तो गाइस मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और मम्मी को भी बोलो मेरी चिंता ना करे। गाइस एक बार बता, बच्चे तो बच्चे ही है, चाहे बच्चे एक हो, चाहे चार हो, चाहे दस हो, चाहे एक हो, चाहे अनेक हो। ये लो सुनो, बुढ़िया दादी से क्या बोल रही हूँ। सही नहीं बोली मैं, सही बोली है। एक हो चाहे अनेक हो, अनेक में दो तीन चार पाँच दस दर्जन एक जगह। तो गाइस माँ को तो दिल में होता ही है ना कि मेरे बच्चे सुखी रहे, खुश रहे, है ना। अब ये लड़की का हमेशा बीपी लो, एक तो बीपी लो इसलिए भी हो गई है गाइस क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा दूर रहने लगी है। एक ऐसे ही रखो, मैं एक सेल्फी ले लू। वाह, बताओ मम्मी सेल्फी ना खींची क्या? नहीं ना, वीडियो बनने सेल्फी नहीं जाएगा। तो गाइज एक तो पता क्या गाइज, मैं आरती के पास रहती हूँ, पूजा के लिए रहती। बीपी लो तो इसको इस वजह से भी होती है। मैं यहाँ रहती थी गाइज, ये देखो पसीना। मम्मी हंसाती रहती थी, मैं हंसाती भी रहती थी गाइज। और पहली बात अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिलाती थी।
और थोड़ा इस वजह से ये खुश रहती थी। अब यहाँ पे अपने भाई के साथ रहती, वो तो खून पीता है, खून वैसे बीपी लो कर दिया इसने सारे, इतना दिमाग खराब करता है, पूरा घर गंदा करके छोड़ देता है वो, पूरे दिन पूरी शाम को आएगी पूरा घर घर गंदा मिलेगा, सारा सफाई वफाई करके फिर भाई के लिए खाना बनाती है, इतना भी खाना ही नहीं खाता। हाँ, और वो खाना सारा फ्रिज में ऐसे ही रखा रहता, भाई खाना भी नहीं खाता, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मेरी बेटी इतना परेशान होकर सुबह 6 बजे उठती है बेचारी, खाना बनाती है भाई के लिए, उसके बाद ऑफिस जाती है, सारा खून तो मेरा बेटा ने पी लिया। अब क्या करे, फ्रिज में भरा हुआ तो सब कुछ है पर खाने का क्या, खाने का चीज़ समझ में नहीं आ रहा मुझको तो बिल्कुल। भाई के लिए रखा है, ऐसी मैं भी खोल लेती बंद कर देती, मन कर रहा है कुछ खाने का, पैसा समझ में नहीं आ रहा क्या खाओ, 3-4 दिन का सड़ा रखा खाना खाना भी सड़ता रहता है क्योंकि ये खाता तो है नहीं, बनवा लेता ऑर्डर।